नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट श्रृंखला 26 दिसंबर से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए भारतीय टीम ने अभ्यास करना भी शुरू कर दिया है। इस टेस्ट श्रृंखला में 3 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। ऐसे में भारत के अच्छे प्रदर्शन के लिए मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम के लिए एक पाठशाला लगाई, जिसमें राहुल द्रविड़ सभी खिलाड़ियों को ज्ञान देते नजर आए हैं। इस अभ्यास सत्र के दौरान राहुल द्रविड़ चार्ट बोर्ड सामने रखकर खिलाड़ियों को अपनी रणनीति समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके इस पाठशाला में विराट कोहली, रहाणे जैसे सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद दिखाई दिए। अब जब टेस्ट श्रृंखला शुरू होने में बस एक हफ्ते का ही समय रह गया है, तो ऐसे में भारतीय खिलाड़ी अभ्यास सत्र में जमकर पसीना बहाते हुए दिखाई दिए हैं। इस पूरे अभ्यास सत्र के दौरान राहुल द्रविड़ सभी भारतीय खिलाड़ियों के साथ एक एक करके बात करते दिखाई दिए हैं। ये बताता है कि राहुल द्रविड़ की नज़र सभी खिलाड़ियों पर है। इसके अलावा भी BCCI ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली नेट्स में जान झोंकते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के बीच भी नेट्स के दौरान गंभीर चर्चा करते देखा गया है। इसके अलावा भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को राहुल सर का ज्ञान मिला, क्योंकि नेट्स में गेंदबाजी करवाते समय राहुल द्रविड़ उनके साथ ही खड़े थे। जिस तरह से भारतीय टीम अभ्यास करती दिखाई दे रही है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को इस साल कड़ी चुनौती देने वाली है। अब देखना होगा कि ये भारतीय टीम पहले टेस्ट में कैसा प्रदर्शन करके दिखाती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।